दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ACL टियर पर बात शुरू की थी कि कैसे हमारे घुटने का ये लिगामेंट क्षतिग्रस्त होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और बिना ऑपरेशन इस लिगामेंट टियर का इलाज कैसे संभव है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ACL टियर के ऑपरेशन की। हम जानेंगे कि इस ऑपरेशन की जरूरत किन मरीजों में पड़ती है और इसके क्या फायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता दैट ऑफ हेल्थ मार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमारे घुटने का ACL लिगामेंट तब टियर होता है जब खेलते कूदते समय या किसी भी स्पोर्ट्स खेलते समय या टू व्हीलर से गिरने पर हमारा घुटना गलत तरीके से मुड़ जाता है या गलत तरीके से रोटेट हो जाता है या एबनॉर्मल तरीके से घुटने पर ही घूम जाता है। आपको ACL टियर हुआ है या नहीं ये MRI की जाँच से ही डायग्नोज होता है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस एक्सरे से नहीं हो पाता है। डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप काम क्या करते हैं, क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, या क्या आपको आगे भी खेल कूद कंटिन्यू करना है, या आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब आप अपनी दैनिक जीवनचर्या में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करते हैं और आपको खेल कूद में भी कोई रुचि नहीं है और आगे भी आप इसी तरीके की सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही चाहते हैं, क्योंकि इसी बात से डिसाइड होगा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। इसके अलावा अगर आपका लिगामेंट पार्शियल टियर हुआ है, मतलब लिगामेंट पूरा नहीं फटा है, तो आपका लिगामेंट बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है। ऐसे लोग जिनका लिगामेंट पूरी तरह टियर हो गया है, मतलब पूरी तरीके से फट गया है और उनकी लाइफस्टाइल भी एक्टिव है, यानी ये लोग खेल कूद भाग दौड़ करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों में वापस इन गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए ACL लिगामेंट को पूरी तरीके से ठीक होना ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन की। तो आखिर ACL का ऑपरेशन चोट लगने के कितने दिनों बाद किया जा सकता है? लिगामेंट टियर के बाद यानी चोट लगने के 3 से 6 हफ्ते बाद सर्जरी प्लान की जाती है। इतने टाइम वेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस समय में घुटने की सूजन को ठीक किया जाता है और फिजियोथेरेपी से घुटने का मूवमेंट भी होने लगता है। अगर इतना समय वेट ना करके घुटने के लिमिटेड मूवमेंट में ही अगर ऑपरेशन किया जाता है तो घुटने में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसे स्कैरिंग हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में आर्थ्रोफाइब्रोसिस भी कहते हैं, जिसके कारण घुटना स्टिफ हो जाता है और घुटने का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। और अगर 3 महीने से ज़्यादा वेट किया जाए तो घुटने की गद्दी और कार्टिलेज को नुकसान हो सकता है और 6 महीने बाद ऑपरेशन कराने से हो सकता है कि ये ऑपरेशन आपको कुछ दिनों बाद दोबारा कराना पड़े, क्योंकि 6 महीने बाद चोट के कारण घुटने में जो डैमेज हुआ है वो एक बार में ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो जाए, इसलिए ऑपरेशन में टाइमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब बात करते हैं कि ACL का ऑपरेशन किस किस तकनीक से हो सकता है। इसमें पहला है ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, जो दूरबीन से की जाती है, जिसे आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इस ऑपरेशन में घुटने पर एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है और इस चीरे से आर्थ्रोस्कोप यानी दूरबीन और दूसरे सर्जिकल औजार घुटने के जॉइंट के अंदर डाले जाते हैं, जिसमें कैमरा लगा होता है। ये कैमरा घुटने के जॉइंट के अंदर का दृश्य बाहर मॉनिटर पर दिखाता है। आर्थ्रोस्कोप डालने के बाद घुटने में नॉर्मल सलाइन डालकर घुटने को फुलाया जाता है, जिससे घुटने के अंदर ऑपरेशन के लिए एक जगह बनाई जाती है। मॉनिटर पर देखते हुए सर्जन लिगामेंट को देखते हैं और एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट के आसपास के संरचनाओं को भी अच्छे से चेक करते हैं, जिसमें मुख्य होता है मेनिस्कस और कार्टिलेज। अगर ACL लिगामेंट के अलावा इन और पार्ट्स में भी कोई नुकसान होता है तो सर्जन इनको भी उसी दौरान रिपेयर करते हैं। इसके बाद मरीज के शरीर के दूसरे हिस्से से ग्राफ्ट लेकर एक नया लिगामेंट बनाया जाता है। ये ग्राफ्ट कभी घुटने से लिया जाता है, कभी घुटने के पीछे की तरफ से। ये ग्राफ्ट समय के साथ हड्डी में मिल जाता है और एक नॉर्मल लिगामेंट की तरह ही जॉइंट में काम करता है। इस तरह के ऑपरेशन के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें मरीज की कमर में एक पतली सुई लगाकर इस सुई से एक सुन्न करने की दवा दी जाती है,
जिससे मरीज की कमर और उससे नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और मरीज को दर्द का पता नहीं चलता है। ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों आपको क्रचेस का सहारा लेकर ही चलना है। ऑपरेशन के सप्ताह भर बाद आपके पैर की फिजियोथेरेपी शुरू की जाती है, साथ ही साथ डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा भी आपको लेनी पड़ती है। इस ऑपरेशन के बाद कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं आपके घुटने को पूरी तरीके से रिकवर होने में। 3 महीने के बाद आप अपने रूटीन के सभी काम बिना परेशानी के कर सकते हैं, पर एथलेटिक और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपको कम से कम 8 महीने से 1 साल का समय लग जाता है। रिकवरी के दौरान देखा जाता है कि सीढ़ी चढ़ना तो आसान होता है, पर सीढ़ियाँ उतरना ज़्यादा मुश्किल होता है। जब मरीज 8 से 12 हफ्ते के समय में आराम से बिना किसी तकलीफ के सीढ़ी उतरने लगता है, तब इसे एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कि मरीज के घुटने की रिकवरी अच्छी हो रही है और मरीज को जल्द ही अपने नॉर्मल काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह फिजियोथेरेपी के सहारे मरीज की रिकवरी अच्छी होती है। तो देखा दोस्तों, ACL लिगामेंट का ऑपरेशन एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है और इसके बाद की रिकवरी भी काफ़ी स्मूथ होती है। ऑपरेशन के बाद आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों, आजकल की जीवन शैली की वजह से लोगों को हड्डियों में दर्द होने की परेशानी बहुत कॉमन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप बढ़ती उम्र के साथ भी अपनी कमज़ोर हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं और इनमें होने वाली बीमारियां और दर्द जैसी शिकायतों को कैसे दूर रख सकते हैं, तो ऊपर दिए गए लिंक के वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से बात करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।